भाई साहब राउंड टू हेल की वीडियो आ चुकी है, मेकिंग ऑफ जॉम्बी द लिविंग डेड पार्ट टू राउंड टू हेल व्लॉग चैनल पे आई है, जो इनका दूसरा चैनल है ना उसके ऊपर आई है मेकिंग ऑफ जॉम्बी। तो जो इन्होंने बनाया था जॉम्बी सबको पसंद आई थी, अलग ही लेवल की मूवी थी। उसका सेकंड पार्ट आ गया है जो बनाने में होता है। मुझे उसे देख के ऐसा लग रहा था कि अगर पिछले पार्ट में कितनी मेहनत था, रॉन्ग टर्न अगर थोड़े फनी वे में बनाते तो कैसा लगता। तो ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और गेमिंग चैनल का डिस्क्रिप्शन में, भाई चैनल पे हो तो नए प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियो कैसे लगी जरूर बताना कमेंट करके, और एक लाइक तो बनता है यार। रेडी सेट एंड गो। छूट पे एक दुखद घटना, चेतन को आया फीवर। चेतन क्या हुआ मतलब लास्ट में मुंह गिर गया। तो गाइज आज है शूट का तीसरा दिन, और अभी जो हम लोग सीन कर रहे हैं पीछे, वो सीन जो है जिसमें हम डॉक्टर से और पुलिस वाले से मिलते हैं, वो सीन का शूट हो रहा है। डॉक्टर पुलिस वाले से आपको, तो इन लोगों ने रिहर्सल कर ली है सीन की, हो गई ना डन। यस यार दे दोगे आप? थैंक यू सर। रेडी ओके। एडम सर बोलो। एडम सर हम आपकी प्रतिज्ञा से, दिल से प्रतिज्ञा से करते प्रतिज्ञा। एक्शन। कैसा लग रहा है ये? आगे नहीं आना, वहीं रहना है। आगे क्यों आ गए यार? वहीं पुलिस वाले बैठा। एक्शन। सर मुझे घर हो गया। मुझे घर। कहाँ है तुम्हारी? पीछे वाले काटने से खून निकलता है क्या? तो गाइस आज ये ग्रोसरी स्टोर वाला सीन जो यहाँ होना था, जिसमें मनोज जो है वो क्या बोलते हैं ग्रुप को इम्प्रेस करने के लिए कुछ सामान लेना आया खाने पीने का, और उसके साथ कुछ इंसल्ट हो जाता है। ये सीन भी बढ़िया था। मार डाला। कह रहा मैं फील लेना चाहता हूँ भाई कैरेक्टर। चला जाता हूँ किसी की धुन में। चला जा भो। रेडी एक्शन। चलो एक्शन। अच्छा जूता मारेगा ना इसको। हाँ। बच के कान से गया बिल्कुल पास से। बोलो डायलॉग बोलो। बच्चे आ रखे हैं ना शूटिंग देखने। बेबी सोने के बिस्कुट भी आते हैं। गाइस आज है शूट का 11 डे और सुबह के बज रहे हैं 7:00। नींद पूरी हो चुकी है, हम लोग निकल रहे हैं शूटिंग लोकेशन जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। आलम भाई आ चुके हैं। हेलो क्या हुआ देन भाई? मेरे को बहुत तेज फीवर है, और शूट में आ गया फीवर तो पूरी लोकेशन की ऐसी तैसी हो जाएगी। शूट की लोकेशन इतनी दूर है फिर ना मिलेगी ना। तो एक काम करो, सुनो जो भी रिहर्सल करनी है ना यहीं करके डायरेक्ट सीन दे दो वहाँ पे। ऐसे कर सकते हैं है ना? ये जो है गाइस मैंने लगभग जब से शूट स्टार्ट हुआ है आज 12 दिन हो गए, मैंने अभी तक ये कपड़े नहीं धोए। मतलब एक वॉश करवा लेते हैं हम शूट के टाइम पे, तो वो इसमें नहीं करवाया क्योंकि जितना डर्टी लुक हो सकता है रो लुक उस ली वो लेने के लिए चेंज ही नहीं करे। अरे किसी भी करेक्टर ने कपड़े नहीं धुलवाए, मजा नहीं आता वीडियो में क्योंकि दुनिया हो चुकी है एक तरीके से खत्म। हाँ। और आप अच्छे नए कपड़े पहनो तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ी बदबू आ रही है इनमें से हालांकि मुझे, बट मैं इस परफ्यूम मान लेता हूँ रोज एंड काम चल जाता है। ये है हमारे खालू। खालू अब मैं अपने करेक्टर से बोर होता जा रहा था,
हमें अपने कैरेक्टर से बोर होता है, मार देते हैं तो यहाँ आज नहीं तो कल इसको मार दूँ कैरेक्टर को ख़त्म पूरी वीडियो में। बाकी आप देख ही सकते हो क्या ट्विस्ट आया होगा व्लॉग में। पीछे सनसेट कितना अच्छा लग रहा है, दिखाओ कितनी प्यारी सी जगह एकदम। अब जो पीछे सीन हो रहा है वो मेहताब की एंट्री है, जिसके लिए हम लोगों ने 4.5 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। इनविजिबल कैमरा है, इनविजिबल डायरेक्टर है, सब कुछ। ओ मेरे काटा लग गया, ये इनविजिबल सब कुछ है। तो ये मेहताब का सीन बहुत महंगा हो रहा है, 15 दिन उस बंदे ने इंतजार करा अपने सीन के लिए। अब वापस मत आइए। कैसा था सीन मेहता? बहुत अच्छा सीन था, गेट पे जैसे बहुत प्रैक्टिस की मैंने सीन रीडिंग लिया। 4 करोड़ रुपए के कैमरे लगवाए तेरे लिए, देख नहीं रहे हैं वो, बस इनविजिबल है ना, देख नहीं रहे। मैं कह रही हूं ये बीच में रुको, तुमसे बैलेंस नहीं बनेगा, बीच में गुंडे पकड़ो। अरे बतेरे हैं भाई साहब, टूट गई लाइन पर, अंदर टूट जा, बोल नहीं, हट जा, वो टूट गया। मैं सिगरेट नहीं पीता हूं ये सीन के लिए, काफी पड़ा हूं। लिखा है ना स्मोकिंग किल्स, मारना नहीं चाहता एडम को, बस स्क्रिप्ट की डिमांड है तो मरना पड़ेगा। ये एक्टिंग कर रहा था ना बच्चा। सो गाइस आज है शूट का लास्ट डे, शायद लास्ट डे है, आज कंप्लीट हो जाए, उधर शूट चल रहा है। चिपका वाइल निकाल लो वरना बोल। कैसे घूम रहा पूरा कलर अलग लगा के, इस वीडियो की वाइब्स ही अलग थी। हां ये सलमान भैया, सलमान टोटली टायर्ड विद दिस मेकअप, आई कांट टेल यू हाउ मच आई एम टायर्ड, दिस इज इनसीन। और हर बार गोली अलग है गाइस, हर वीडियो में को सॉरी हर सीन में जो है गोली अलग है, यहां पे आप देखोगे गोली अलग है क्योंकि रोज अलग मेकअप हुआ है। अच्छा कभी कहीं लगी कभी कहीं वो एक्टिंग हर एक कैरेक्टर में बहुत बढ़िया करी थी। और ये जो है अपना मैनेजमेंट कास्टिंग मैनेजमेंट कर कास्टिंग रहा है, लेकर आया रिजवान। और कितने लड़के आने बाकी? लगभग 10 हो आए हैं, 10 हो रहे हैं। ये सारे मंडे लंगड़ा गोंडी भी होता है, ऐसे भी अलग अलग कर लिया, अलग अलग टाइप, अलग अलग टाइप। बाबू लोग आप अपना स्टाइल पकड़ लियो, क्या है अजीम। अरे यार एक और डॉग वाले, ये वैसे पानी पिला रहा था, पानी पिलाते बहुत स्वीट था वो, उसको पानी पिला रहा था डॉग को। लेकिन बिहाइंड द सीन का आपको यही पता है मेकिंग में क्या यार, आपको यही देखते हो एक टीम कितना एफर्ट करती है हमेशा, और इसमें भी एफर्ट दिखा काफी। एक को तो बुखार भी हो गया था, दो को, एक को उसके बंदे को, एक जैन को, खुद को बुखार हो गया था। लेकिन डेडिकेशन होता है, बीच में रोक नहीं सकते शूटिंग, अगर एक बार रुक जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। दूर गए, उत्तराखंड गए हुए थे ना शूटिंग के लिए, और वहाँ पे जाके भी अलग, ऐसा नहीं एक लोकेशन थी, अलग अलग बहुत सारी लोकेशन थी, और प्लस हर एक बंदे की डेडिकेशन ही नेक्स्ट लेवल थी यार। और एक वो फनी लगा यार, गोली का निशान हर बार अलग होगा, यहां था क्योंकि हर बार करते थे ना, बोलता कि वो कपड़े भी नहीं धुलवाए, वरना शूट पे धुलवा लेते हैं, कपड़े भी नहीं धुलवाए ताकि बिल्कुल ऐसा लगे, नेचुरल लगे एकदम। लेकिन जो 4 करोड़ का मेकअप था, वो कैमरा था 4 करोड़, इनविजिबल कैमरा लगाया था, इनविजिबल डायरेक्टर। कैसा लगा? कह रहा बहुत दिन से, 13 दिन से वेट कर रहा था अपने इस वाले शूट के लिए, क्या था खत्म इतना कर गया भाई साहब, चल गए ग्रोसरी वाले में, वो मार डाला गाना चला लेने जाता हूँ भाई। इस वीडियो की वाइब ही अलग थी जब वीडियो आई थी, मुझे लगता है इसमें अभी तक की सबसे ज्यादा मेहनत लगी होगी और सबसे लंबा शूट इसी का होगा। और इसका सेकंड पार्ट का तो बेसब्री से इंतजार है, आपको मिलता है तो प्लीज बताना कमेंट करें। और भाई हैट्स ऑफ टू राउंड टू हेल्थ टीम एंड थैंक यू गाइस यार, ऐसे अमेजिंग के बाद ही आएगा बताने का, शूट हो रहा हो तो क्या बता दे, मेरे हिसाब से लॉकडाउन के बाद ही आएगा शायद जब चीजें रिस्ट्रिक्ट खुल। तो भाई ईगरली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, आपको कैसा लगा मिलते हैं बताना जरूर, बाय बाय, टेक केयर।